हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट बार हमने देखी थी मकावा एल्गोरिथम। इस बार हम देखेंगे सुजुकी कसामी एल्गोरिथम। तो इसके अंदर सुजुकी कसामी एल्गोरिथम और मकावा एल्गोरिथम में सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि जो सुजुकी कसामी एल्गोरिथम है ये एक टोकन बेस्ड एल्गोरिथम है और जो अपनी मकावा एल्गोरिथम थी वो एक नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम थी। तो देखते हैं इस एल्गोरिथम में क्या होता है। तो इस एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले, हाँ, कोई भी साइट होगी वो अपने रिक्वेस्ट मैसेज के साथ में, साइट एस जे अपन कंसिडर करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट मैसेज के साथ में अपना नाम तो जोड़ेगी कि भैया मैंने अपना रिक्वेस्ट भेजी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वो साथ में एक सीक्वेंस नंबर भी जोड़ देगी, ठीक है, कि ये मेरी, मैं 10th बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या 11th बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं कौन सी बार क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एन वो है यहाँ पर। और हर साइट एक एरे मेंटेन करेगा RNi 1 to n, वेयर RNij, यानी RN 1 to, सपोज अपन मान लेते हैं, तो वन मतलब कि वो एरे फर्स्ट साइट मेंटेन कर रही है और ब्रैकेट में टू है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उसको साइट टू के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, यानी उसके पास में साइट टू के पास से लेटेस्ट रिक्वेस्ट मैसेज का सीक्वेंस नंबर क्या था। तो RN 1 to सपोज 3 है या RN 1 to सपोज 10 है, तो यानी फर्स्ट साइट ये जानती है कि सेकेंड साइट ने लास्ट बार 10th बार क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया था लास्ट बार, ठीक है। तो अगर मुझे रिक्वेस्ट मैसेज J, P मिलता है और P<RNij है, तो इसका मतलब मुझे कोई पुराना ही मैसेज मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट बार उसने RNij के jth बार रिक्वेस्ट किया था, यानी होल इतने बार रिक्वेस्ट किया था। तो अब यदि pth मैसेज पहुंचता है तो यानी इसका मतलब वो कोई आउटडेटेड मैसेज है, तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। अब हम देखते हैं टोकन। टोकन भी दो डेटा स्ट्रक्चर्स मेंटेन करेगा, एक तो क्यू जो कि है रिक्वेस्टिंग साइट्स की क्यू, यानी मुझसे किस किस साइट ने रिक्वेस्ट करी है, और दूसरा हम मेंटेन करेंगे एक LN 1 to n, ये सिमिलर टू RN होगा, ठीक है। RNi जो है ये तो हर एक साइट अपने साथ में RN एक मेंटेन कर रही है, LN टोकन के साथ मेंटेन हुआ कि भाई लेटेस्ट उसने रिक्वेस्ट नहीं बल्कि इसमें होगा लेटेस्ट जो एग्जीक्यूट कर ली है उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट उसने एग्जीक्यूट कर ली है उसका सीक्वेंस नंबर क्या था। तो सपोज कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे LN 3 है, इसका मतलब थर्ड साइट ने लेटेस्ट कौन सा सीक्वेंस नंबर की रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कर ली है, ये होगा इसका मतलब। अब हम देखते हैं इसकी एल्गोरिथम क्या होगी सुजुकी कसामी की। बड़ी सिंपल एल्गोरिथम है। तो अगर अगर मेरे पास में टोकन नहीं है तो मैं अपनी रिक्वेस्ट का सीक्वेंस नंबर 1 से बढ़ाऊंगा, यदि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आई हूँ, ठीक है, एक से बढ़ाऊंगा कि भाई मैंने सपोज जैसे पहले 9 था, तो मैंने पहले 9th बार क्रिटिकल सेक्शन रिक्वेस्ट किया था, तो अब मैं, ये 10th रिक्वेस्ट है मेरी, दिस इज माई 10th रिक्वेस्ट ऑफ फॉर द क्रिटिकल सेक्शन, और जितनी भी साइट्स हैं उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई मैं 10th बार क्रिटिकल सेक्शन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सबको मैं एक मैसेज भेज दूंगा, रिक्वेस्ट I, SN, आई मतलब मेरा नाम कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, SN 10th बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, हाँ, जैसे ही जे को आई का रिक्वेस्ट I, SN मैसेज मिलेगा, ठीक है, वो RN J को RN JI SN कर देगा, मैक्स ऑफ RN JI, SN कर देगा, सॉरी। तो एस जे के पास यदि खाली टोकन पड़ा है तो ये है तो उसको भेज देगा। तो देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे उसको मिला तो उसने जो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन थी और अब जो इन्फॉर्मेशन है उनमें से मैक्सिमम चूज किया। मैक्सिमम इसलिए किया क्योंकि यदि पहले उसके पास में सपोज 5 है कि वो 5 बार एग्जीक्यूट
फिफ्थ बार रिक्वेस्ट कर चुका है और अब सपोज 3 आता है, तो तीसरा रिक्वेस्ट तो पहले ही आ चुका है, तो वो आउटडेटेड मैसेज होगा, तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा सिंपली। मैक्सिमम ही लेना है उनमें से हमने को। और यदि वो आउटडेटेड मैसेज, आउटडेटेड रिक्वेस्ट नहीं है, तो उसको RNJI को अपडेट कर लेना है अपना। तो अगर SJ के पास खाली टोकन पड़ा है, तो अगर RNJI इज इक्वल टू LNI+1 है, यानी जो लास्ट बार उसने एग्जीक्यूट किया था उससे एक ज़्यादा बार रिक्वेस्ट हो रही है, यानी LNI क्या रिप्रेजेंट करता है कि ith साइट कितनी बार कितनी बार CS को एग्जीक्यूट कर चुकी है क्रिटिकल सेक्शन को। तो सपोज 9 बार एग्जीक्यूट कर चुकी है और ये रिक्वेस्ट 10th है, तो यानी अब उसने एक बार वापस से मांगा है, तो मैं उसको सिंपली टोकन भेज दूंगा। एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन तो बहुत सिंपल है, यदि टोकन मिल गया तो एग्जीक्यूट कर लूंगा। रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन, ये यदि मेरा काम हो चुका है और मैं यदि क्रिटिकल सेक्शन को वापस से रिलीज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो LNI इज इक्वल टू RNII कर लूंगा, मतलब आइए जो मैंने अभी लेटेस्ट रिक्वेस्ट की थी क्रिटिकल सेक्शन के लिए वो फुलफिल हो चुकी है, और टोकन के पास जो मेरी, मतलब टोकन LNI मेंटेन किस लिए करता है कि मैंने कितने एग्जीक्यूट कर लिए, तो ये वाले भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो टोकन वाले को अपडेट कर दूंगा कि मैंने ये भी एग्जीक्यूट कर लिए, ठीक है। और हर साइट SJ को जो टोकन की क्यू में नहीं है, है उसको तो दो बार डाल नहीं सकते, क्योंकि सपोज किसी ने एक बार क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की हुई है तो वो वेटिंग कर रहा है, तो वापस से वो आगे बढ़ नहीं सकता, तो वापस से रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है? आगे आगे नहीं बढ़ सकता, तो वापस से रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है? तो दो बार तो कोई आ नहीं सकता। तो हर साइट SJ में एक एक करके सारी साइट्स चेक करूंगा, RNIJ इज इक्वल टू LNJ+1 है, यानी कि किसी ने रिक्वेस्ट की है। LNJ मतलब जितने मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, सपोज मैं 9 बार एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और अब RNIJ 10 हो चुका है, यानी उसने एक बार और रिक्वेस्ट कर ली है, 10th बार रिक्वेस्ट की है और 9 बार एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी एक बार और रिक्वेस्ट की है उसने, एक बार और एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो मैं उसको अपनी टोकन क्यू के अंदर, जो टोकन के साथ में एक क्यू मेंटेन थी ना, उसके अंदर टोकन के साथ में आपको याद होगा दो डेटा स्ट्रक्चर्स मेंटेन किए थे, एक तो LNI और एक क्यू, तो क्यू के अंदर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था तो किसी और ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी क्रिटिकल सेक्शन के लिए, और अगर ये सब करने के बाद मैं देखता हूँ कि यदि टोकन क्यू खाली नहीं है, खाली है तो फिर अपने पास रख लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि खाली नहीं है टोकन क्यू, तो मैं टोकन क्यू में से टॉप एलिमेंट को DQ करूँगा, यानी डिलीट करूँगा उसको, हटा दूंगा वहाँ से और उसको टोकन दे दूंगा। और परफॉर्मेंस इसकी 0 to n मैसेजेस, यदि मेरे पास ही टोकन है तो मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लूँगा क्रिटिकल सेक्शन को, वरना मुझे सभी को रिक्वेस्ट भेजनी होगी टोकन के लिए ब्रॉडकास्ट, तो n मैसेजेस जितनी भी साइट्स हैं उन सबको मेरे को मैसेज भेजने पड़ेंगे, तो या तो 0 या फिर n, दैट इज द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। आई हैव द टोकन और आई डोंट हैव द टोकन, सो थैंक्स।